हापुर हलचल के साथ प्यार बनाए रखने के लिए धन्यवाद। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे पुराने एम्प्लॉय सुशील शर्मा के साथ अब हमारा कोई ताल्लुकात नहीं है। वह अब किसी भी रूप या विषय से हमारे चैनल से जुड़े हुए नहीं है। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका हापुर हलचल में और मैं सदी। राशन डीलर किसी तरह अपनी हरकतों से बाज आने का नाम नहीं ले रहे। कभी कम राशन तो कभी राशन न देना, किसी न किसी तरह से गरीबों को परेशान करते हैं। यही हाल जनपद हापुड़ के थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र के गांव में देखने को मिला, जहां ग्रामीणों ने तंग आकर राशन डीलर पर कम राशन देने व राशन कार्ड से उनका नाम कटवाने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र के गांव कलवाड़ा में ग्रामीणों ने डीलर पर कोरोना काल के वक्त में सरकार द्वारा लाखों प्रवासी और गरीबों को मुफ्त राशन देने की बात कही गई थी। ग्रामीणों का आरोप है कि ऐसे महामारी और संकट काल के समय में भी राशन डीलरों द्वारा 30% ग्रामीणों को भी राशन नहीं दिया गया, जिसका विरोध लोगों ने एफिडेविट लगाकर संबंधित अधिकारियों से किया। वहीं आज संबंधित अधिकारियों द्वारा गांव में पहुंचकर विरोध कर रहे लोगों से पूछताछ की गई और इस मामले में जांच की तो पता चला लगभग 7% लोगों के राशन कार्ड बंद करा दिए गए। वहीं कुछ लोगों को पिछले 7 सालों से राशन तक नहीं दिया जा रहा। क्या नाम है आपका? वसीम। वसीम, कौन सा गांव है ये? बड़वाड़ा। अच्छा, क्या मामला है जो यहाँ पर भीड़ जुट रही है? हमारे आज राशन कार्ड हो गए हैं, 10 व 7 साल हो गए। मैंने 10 दफा फॉर्म दिए हैं, बट इन्होंने आज तक कोई वो नहीं करी ना राशन कार्ड बना हुआ। जी ठीक है, क्या मैं उनसे बात करूँ? उनसे बात करूँ, बात और करवाना है। राशन कार्ड जब भी नहीं बना तो क्या कारण है? आपको 7 साल से राशन नहीं मिला? 7 साल से इन्होंने बिल्कुल भी नहीं दिया। हमारे 3 जो चाचा है का, क्या मैं एक हमारे यहाँ का है, 3 बने रही है, 4 चाचा का बना है। क्या नाम है राशन डीलर का? डीलर का नाम है, वो नाम बोलना इसका, क्या दिनेश नाम है। तो क्या कारण मानते हो? 7 साल से बहुत बड़ी बात होती है, लॉकडाउन भी रहा है, उसमें सभी जिसे नहीं मिला उसे भी मिला, तो इसमें मैं बिल्कुल भी नहीं बना मेरा, एक भी दाना नहीं मिला। तो आपको? हाँ बिल्कुल भी। मैं गया हूँ, उन्होंने कह दिया नहीं मिलने का, तुझे नहीं मिलने। क्यों नहीं मिलेगा? यूँ ही कहता है ना, तुझे मिलने के नहीं है बिल्कुल। कारण क्या बताया इन्होंने? किस बात की दिक्कत है बताओ तो सही। जी वो नहीं रहे, मुझे बता दे, मैं आगे जाके वो करूँ कार्ड। तो कह रहे हैं कर लो कुछ भी। तो राशन डीलर दबंगे क्या? हाँ मना करते हैं वो, मैं तुम्हें नहीं मिल जाएगा भाई, हिलना मत। क्या नाम है आपका? कौन सा गाँव है ये? बलवाड़ा जी। अच्छा, क्या शिकायत है आपकी? हमारी शिकायत ये है, लड़की को बैठा था घोड़े पर। जी जी हाँ, अब भर्ता करती है लड़की। हाँ बेटा, हम जाते हैं कभी कभी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है। क्या शिकायत है आपकी? हमारी शिकायत ये है, 6 महीने हो गए जिस दिन से लॉकडाउन लगा, उस दिन से हमें राशन नहीं मिला पूरा, तो कभी दे कभी नहीं देते। राशन डीलर के यहाँ गए थे आप? जी। तो क्या कहते हैं? ऐसे ही कहते हैं, बस कभी दें पूरा कभी नहीं देते, पूरा तो दे ही नहीं रहे। तो जैसे लॉकडाउन रहा था उसमें लोग बाग बाहर ना निकल रहे और राशन के लिए सरकार ने एक मुहिम चलाई थी, तो तब भी नहीं मिला आपको? नहीं कह तो रही हूँ, पूरा नहीं मिला ना हमें। जी 3 यूनिट हमारे बिल्कुल काट रखे हैं। जी और हमें राशन नहीं मिलकर दे रहा पूरा, कभी मिला वो भी कभी नहीं मिला। तो उसकी जाँच हो रही है आज? जांच हो रही है आज उसकी। अब मैं तो इस वजह से आई, जब मैंने ऐलान सुना कि जिसको नहीं मिल रहा ना उसको क्या नाम है वो जाकर वहाँ पर शिकायत कर दो। जी कौन सा गांव है ये? पलवाड़ा। पलवाड़ा शिकायत करना आयो? जी। क्या नाम है आपका? बुनियादी। कौन सा गांव है ये? पलवाड़ा। अच्छा, क्या शिकायत है आपकी? राशन नहीं मिल रहा। कितने दिन हो गए? कटा हुआ है साल भर। अच्छा, 1 साल होगा, दूसरा लग गया। तो क्या मतलब क्या कहते हैं राशन डीलर जो है? तो मैं राशन कटावा घर का दिया, फार्म नहीं आया। नहीं आ रहा? तो आज अधिकारी आए यहाँ पे? हाँ अधिकारी आए, देखो घर दिया। तो आप क्या आश्वासन दिया आप? कह दिया मैंने, राशन नहीं मिलता। जी फिर क्या कह रहे हैं वो? साल उन्होंने कार्ड जमा कर दिया। कार्ड जमा हो गया आपके? मुझे जो भी मुझे लिखा दे दीजिए। डीलर का काम नहीं है राशन कार्ड ऑनलाइन करा के आधार कार्ड बनवाने का? आधार कार्ड इन्होंने इकट्ठे क्यों किए मैं बता रहा था, तो मैं दूंगा उसकी सहायता के लिए सब लोगों को। भाई आधार कार्ड एक के लिए आदमी ना जाए, आधार कार्ड के लिए तो आप डीलर के पास जमा कर दो, हम उसको फिट करा देंगे, फिट करा देंगे, ये उसके लिए उसको बुला रहे। इन्होंने खुद कहा कि मेरा नाम मैंने स्क्वाड में। कौन सा गांव है ये? ग्राम पलवाड़ा।
अच्छा आप डीलर हैं? जी राशन डीलर। तो कितने आधार कार्ड इसमें राशन डीलरों पर आप राशन बांट रहे हैं अब तक? मेरे यहाँ लगभग 2500 कुछ यूनिट है सर। अच्छा, तो क्या शिकायत है लोगों की? जो इनका कहना है कि ग्रामीणों का कि हमें समय से वो नहीं मिल रहा राशन। ऐसा कुछ नहीं है सर, लगातार 5 या 6 दिन लगातार बैठा हूँ, मेरा कोई और काम भी निकल जाता है ऑफिस का, पैसा जमा करना है, चालानों पर साइन करना है, राशन लाने भी जाना है जी। तो उस गैर उपस्थिति में मैंने अब मेरी छोरी है जो इंटर में पढ़ रही है जी, मैं उससे बोल जाता हूँ, मुझे फ़ोन करने के बाद जो कोई आए बेचारा राशन कार्ड धारी उसका कार्ड मशीन से निकाल के उसका राशन दे। तो ग्रामीणों का एक और भी आरोप है कि राजनीति का शिकार भी है, जैसे राशन कार्ड नहीं बन रहे हैं, बना रहे हैं आप, और जो राशन कार्ड बने हुए हैं यूनिट कम देने का, क्या कहना है आपका? सर राशन कार्ड बनना ना बनना मेरे हाथ की बात नहीं है, सप्लाई ऑफिस की बात है। यूनिट का ये है सर, जो यूनिट पीछे से कट जाते हैं हमारी मशीन में बराबर आते हैं, यानी कि किसी के 4 हैं और कट के नहीं है कि उसके 2 रह गए, हमारी मशीन 2 दिखाएगी, हम मशीन के अनुसार हम उसे 10 किलो राशन देंगे और दे रहे हैं। जो राशन वितरक है वो ये कह रहे हैं कि हमें 2 किलो राशन और 1 किलो राशन कम मिलता है, क्या ये सच है? ऐसा कुछ नहीं है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम शाहबुद्दीन खान है। ये कौन सा गांव है और आप? गांव पलवाड़ा है, ग्राम प्रधान पति हूं मैं जी। क्या शिकायत है लोगों की जो डीलर को लेके? शिकायत ये है लोगों की, एक तो राशन कम मिल रहा है, किसी को 2 किलो कम मिल रहा है, और राशन 2 किलो कम के बाद भी पूरे पैसे ले जाते हैं। अगर किसी का 35 किलो है और उसको 28 किलो या 27 किलो राशन मिल रहा है तो उससे 35 किलो के ही पैसे ले जाते हैं जी। तो लोगों की शिकायतें इतनी हैं कि लोग मेरे यहाँ रोजाना आते हैं कि जी हमारा राशन कार्ड नहीं बना जी, और हमारा राशन कार्ड फाड़ कर फेंक दिया जी, और डीलर साहब टाइम पे नहीं मिलते हैं, क्योंकि डीलरों के पास काम इतना हो चुका है कि इनको टाइम ही नहीं है राशन बांटने। तो लोगों की ये भी शिकायत है कि 7-7 साल से इन्हें अभी तक भी राशन नहीं मिला है, क्या कहना आपका? हाँ सर, इसमें शिकायत है, बरकरार मैं इन लोगों से शिकायत करता रहा हूँ कि किसी गरीब आदमी को परेशान मत करो, किसी का राशन मत काटो, किसी के 4 यूनिट हैं उसके 2 कर दिए, किसी के 7 यूनिट हैं उसके 4 कर दिए। इन लोगों को ऑनलाइन फार्म करा करके मैंने खुद अपने मुनीम जी से इनको दिए गए थे, लेकिन इन्होंने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, ना ही फार्म वहाँ पहुँचाए। अब मेरी डिमांड और गाँव वालों की जनता की डिमांड ये है के यहाँ से कोटा हटना चाहिए, और इसको मेरी डिमांड भी यही है खुद की, मैं प्रधानपति हूँ, कि कोटा यहाँ से हटकर दूसरी जगह जाना चाहिए। जो नया आदमी होगा वो अच्छी तरीके से काम करेगा, क्योंकि इनके पास टाइम नहीं है, ये अपना बिजनेस में बिजी रहते हैं और इनके टाइम नहीं दे पाते। अगर जैसे राशन डीलर हैं, ये कुछ लोगों का ये भी कहना है कि राजनीति का शिकार हो के ये वो नहीं कर रहे, क्या कहना आप? देखिए साहब, राजनीति का कोई शिकार नहीं है, 7 साल से राशन डीलर हैं, अगर राजनीति होती तो पहले से होती, तो राजनीति का क्या शिकार आ गया इसमें? ये तो गरीब जनता का, जनता के हित की बात है जी। मेरी रिश्तेदारी तो है नहीं कोई से डीलर से, मुझे अगर जनता ने वोट देकर प्रधान बनाया है तो मैं जनता की बात सुनूंगा, और जनता की बात सुनकर अधिकारियों तक पहुंचाने का मेरी जिम्मेदारी बनती है। तो प्रधान जी, अब बात की जाए, जैसे अधिकारी आए तो क्या आश्वासन मिला आपको? आश्वासन ये मिला है अधिकारियों से कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी जी, और इनको नोटिस जारी किया जाएगा जी। जो डीलर हैं जिनके शिकायत हुई है जी, उनको संतुष्ट किया जाएगा और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर, आप किस गाँव में आए हैं और क्या मामला है जिसको लेकर आप यहाँ पर बैठे हुए? ग्राम सभा पलवाड़ा में आया हुआ हूँ जी। यहाँ के 3-4 कार्ड धारकों के द्वारा शिकायत दी गई थी, प्रधान सहित ये डीलर द्वारा विनीत कम राशन दिया जा रहा है, अलग अलग जगह जब बयान लिए गए, कुछ कार्ड धारकों ने बताया कि उनको 1 किलो प्रति यूनिट कम मिलता है, कुछ कार्ड धारकों ने बताया कि हमारे राशन कार्ड नहीं बने हैं, उन्होंने राशन के लिए अप्लाई किया था जी। तो सर, कितने ऐसे लोग हैं जिनको आप यहाँ पर आप जाँच कर रहे हैं, कितने लोग पाए गए हैं जिन्हें ये राशन मिल रहा है नहीं मिल रहा? जिनको कम राशन मिलने की शिकायत है उन मतलब लगभग 7-8 आदमियों ने बयान दिए हैं जी, और 20-25 लगभग 20 आदमियों के द्वारा बयान दिए गए हैं कि मैं पूरा राशन मिलता है, मैं शिकायत करता हूँ, कोई शिकायत नहीं है। लगभग जितने लोग यहाँ पर खड़े हैं सभी जी, तो जैसे ये 7-8 लोग हैं, उनके इनका आरोप है और पाए भी गए हैं, तो
क्या एक्शन होगा डीलर के? डीलर को कारण बताओ, नोटिस जारी किया जाएगा, उसको अथॉर लिया जाएगा, अपराध दर्ज पर कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद, ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हापुड़ हलचल।